ठीक है, 52 स्टूडेंट्स आए हैं दादा, टोटल पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर लिए। अपन स्टार्ट करिए आपका। ठीक है, ठीक ओके सर, है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर, ऑडियो इज ऑडियबल? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, सेकंड यस सर, तो माइक ऑफ अभी तक करा। पुट योर माइक्स ऑन। लेट मी चेक, लगा। एवरीवन इज ऑडिबल ऑन? यस सर, यस 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 सर, यस यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस यस सर, 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 हेलो, यस सर, प्रेजेंट सर, यस सर, प्रेजेंट सर, रोल नंबर 84, यस सर, चिल आउट मैन, प्रेजेंट। तेवढे लोक स्टार्ट नाही करणार आपण। फर्स्ट मला सांगा, तुम्ही काय केले 4 महिने? झोपा काढले, झोपा काढले, काही काम केले, बाकीच्यांनी केलं ते आपण केलं। तुम्हाला तुम्हाला मिस केलं सर, घरचे काम केले, घरचे मिस केलं सर, तुम्हाला काय केलं, घरचे काम केले, पण मग मी सर राहणार। अभिषेक ने सगळ्यात जास्त मिस केलं सर तुम्हाला। हो हो हो, काय नाही, काही 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 स्टुडंट आहेत ज्यांनी वर्क वगैरे केले, त्यांनी पाठवले तुम्हाला सुट्ट्यांमध्ये, आणि आता पण भरपूर जण काम करत आहेत। हो सगळ्यांनी आपण तुम्हाला जास्त काय मॉडल म्हणून काय नाहीये, लेक्चर वगैरे फक्त लेक्चर तुम्हाला अटेंड करायचे, बाकी ज्यांच्याकडे पीसी वगैरे आहेत त्यांनी शिकवलं, शिकवल्यानंतर लिहिलं काय पहिल्यांदा गोष्ट तर फॉर्म भरले शिवाय लेक्चर हे सगळे सगळे प्रॅक्टिकल चालू होतील। प्रॅक्टिकल काय ती, आता सगळ्यांनी माइक ऑफ करा, माइक ऑफ करा सगळ्यांनी। माइक ऑफ करा रे शिल्पा, माइक ऑफ कर प्लीज एवरीबॉडी। हा ठीक आहे, तो आता आपण जे सगळं घेणार आहोत, ऑल वी आर गोइंग टू टेक इन दिस सेशन्स दॅट विल बी रिपीटेड और रिवाइज आफ्टर दिस लॉकडाऊन एंड्स। ओके, सो नो नीड टू वरी, यू विल गेट ऑल द प्रॅक्टिकल्स अँड द लेक्चर्स, ऑल ऑफ द डिटेल्स विल बी अगेन रिपीटेड आफ्टर दिस सेशन्स। फर्स्ट लेट मी रिवाइज, आय विल शेअर यू द स्क्रीन। Just someone let me know if the screen is visible on your screen. Okay, is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So in this, yes, sir. So first you will see the syllabus. Okay, first year, second year. In first year, first we will revise. Okay, these were your subjects: Introduction to Elements of yes, Information sir. Technology, Introduction to Programming Languages, Basics of Animation, Foundation Art, Computer based 2D animation, introduction graphics, elements of 3D design, and mass communication. Based on this, you have the practical papers that are introduction to programming languages, foundation art and basics of animation, introduction to graphics, plus computer based 2D animation, and elements of 3D design. Due to this situation, we haven't taken your practicals. So we have considered your online jo bhi humne liya tha, uske marks humne considered kiye aapke practical ke liye aur theory ke liye. ठीक है, बी नेक्स्ट इन एस वाय यू विल हैव ऑल ऑफ दी सब्जेक्ट्स। ओके, मेक योर नोट्स, आई विल आई एम टेलिंग यू दैट मेक योर नोट्स ऑन योर ओन, और आपको ये जब सब सिचुएशन खत्म होगा तो आपके पास कुछ तो रहना चाहिए प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, पूरा 100% तो हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट वी कैन explain the few.
ठीक है, फर्स्ट पेपर आपका रहेगा वैल्यू एजुकेशन, जो कि आपको आपके टाइम टेबल के ऊपर सब कौन कौन से क्लास कौन कौन से टीचर्स है, और अभी भी आशीष सर का लेक्चर था लेकिन आशीष सर आए नहीं है इसलिए मैं लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूँ आपका, ठीक है। सेकंड विल बी द 3D प्रोडक्शन यूजिंग सॉफ्टवेयर माया, दिस विल बी माय सब्जेक्ट। ग्राफिक्स आर्ट विल ऑल्सो बी माय सब्जेक्ट। रेस्ट मल्टीमीडिया सिस्टम्स, एनिमेशन टेक्निक्स एंड प्रोडक्शन प्रोसेस विल बी टॉट बाय अदर फैकल्टी मेंबर्स। ओके, ये जो दो सब्जेक्ट्स है, ये दो सब्जेक्ट्स ये मेरे सब्जेक्ट्स रहेंगे, ये आपको सेकेंड ईयर में सिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेट अस सी द सिलेबस। फर्स्ट यू विल रिवाइज द फर्स्ट ईयर सिलेबस। जस्ट बेसिक डिस्क्रिप्शंस, कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री डायमेंशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ CGI। CGI इज अ कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। ओके, प्रोडक्शन वर्क फ्लो, द प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड द पोस्ट प्रोडक्शन साइकिल ऑफ योर फिल्म इंडस्ट्री और एनी ऑफ द 3D मूवी मेकिंग। ओके, बेसिक इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट 3D सॉफ्टवेयर, 3D मैक्स एंड 3D माया। ओके, आई विल जस्ट शो यू द बेसिक इंट्रोडक्शन, थोड़ा बहुत जो आपका छुट्टियों में थोड़ा माइंड साफ हो गया रहेगा वो भी आपका सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको थोड़े शॉर्टकट्स वगैरह सब रिवाइज करता हूं मैं फिर से। भी बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू ज्वाइन ऑन टाइम, ठीक है। आज थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज था इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है, नेक्स्ट टाइम से आपका लेक्चर्स बराबर टाइम के ऊपर स्टार्ट होंगे। ओके, दिस इज अ ट्रायल पीरियड। ठीक है, तब तक हम लोग ये डिस्कस करते हैं फिर से थोड़ा सा। बेसिक इंट्रोडक्शन, आई विल शो यू द इंटरफेस अगेन। नेक्स्ट यू विल हैव, यू हैव द बिगिनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडलिंग इन माया, इंट्रोडक्शन टू माया इंटरफेस। ओके, द कंप्लीट इंटरफेस ऑफ माया सॉफ्टवेयर, देन द पॉलीगॉन बेसिक मॉडलिंग। ओके, पॉलीगॉन्स मीन्स द नंबर ऑफ एजेस एंड वर्टाइसेस कंबाइंड टू फॉर्म पॉलीगॉन्स। ओके, and then next is basic polygon editing tools, which was when you right click on your screen or any object you will get the polygon editing tools, basic polygon editing tools. Next is NURBS basic modeling. NURBS is non uniform rational basic splines or non uniform rational B splines. Okay, next is basic NURBS editing tool. When you right click on the NURBS you will get the movement vertex or curve editing tools. Okay, next was the idea of shading and texturing. Shading and texturing, introduction to types of shaders. There were different types of shaders in Maya.
Okay, this screen appears when you first time start your software. Is the software visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, you need to turn off these options that it will not appear again and again when you start this window. Okay, this is the interface of your Maya software. It's total interface. This is the work area. Okay, space bar is the shortcut to maximize and minimize the work area or the viewport. Okay, these are the viewports. This is the top one, perspective, side, and the front one. Okay, space bar, maximize and minimize. Upload with maximize or minimize kar sakte ho space bar se. This is view cube. Okay, this is the view cube. Using this, you can rotate this work area or your stage. Okay, alt plus middle mouse button is to pan. Okay, alt plus middle mouse. Sir, disturb nahi hai. Screen disturb nahi hai. Nahi sir. Kis kiya tha? Kis kiya? आता सॉफ्टवेअर दिसतोय का सॉफ्टवेअर सॉफ्टवेअर अवेलेबल हो दिसतोय दीज ऑप्शन्स नाउ दोज हू आर अटेंडिंग दिस लेक्चर ऑन मोबाईल यू विल नॉट गेट दीज आयकॉन्स विजिबल सो क्लियरली ओके विजिबल हो रहे हैं किसी के आईकॉन्स फोन के ऊपर कितने लोग अटेंड कर रहे हैं वो लोग ध्यान दो ये आईकॉन्स जो है या फिर ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे मीनूज ठीक है थोड़ा सा आप जूम करोगे हाँ हाँ जूम करके आप देखोगे तो आपको दिखेगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट अगेन दिख रहा है स्क्रीन पूरा ओके दीज आर द टूल्स सिलेक्शन टूल्स ओके सिलेक्शन इज द Freehand selection, okay. This is vertex selection, and these are the movement, rotation, and scale tools. Okay, movement. If you place any object, these are the keyboard shortcuts 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, one is for normal object. 2 is for normal plus wireframe, 3 is for smooth, 4 is for wireframe, 5 is for shaded, 6 is for textures, and 7 is for lights. Okay, these are the basic shortcuts which we have learned in your first year. W is the shortcut for move tool, B is the shortcut for rotation, and R is the shortcut for scale tool. Okay, that was the basic, the softwares and the shortcuts and all of the software tools. Next, you have the textures. When you press 6, you will get textures. How to apply textures, you have to select the image or you have to
select the object, then right click on that object, select face, then go to the shader, go to the shader option, apply any type of shader or a material, then on that material you apply textures. Okay, shading is different and the texturing option is different. Okay, shading means you apply materials on the object, and texturing is you apply images in the form of textures. Okay, next is texture and the surface. Basic UV mapping, texture nodes, importing an image file as a textures. Okay, basic UV mapping, you can go to the mapping option, that you will get automatic mapping, planar mapping, circular mapping, cylindrical mapping. Okay, these are the mapping techniques which we have used. Next, texturing nodes, what texture nodes you select. Scale option is not working. Okay, R is for scale. Importing image file as a texture, if you select this, select face, right click, these are the polygon editing tools, okay, which we have learned. Select face, right click, assign new material, you will open this material options, okay, select this, you will get the attribute editor, in that you will get Pong. Pong E, this is a material. In that you can select the color option, select file, select the folder, and if you have any image, I think we do not have any images. Okay, we will only change the color. Okay, this is how we can change the color or we can apply the texture on the surface. Next, concept of lighting and rendering. The basic lights and concept setup we have studied in Maya and Max. In both the softwares, Maya you will have these rendering options. Okay, in these rendering options, you will get all of these lights. Or you can go to create lights, and these are the types of lights: ambient light, direct light, point light, spotlight, area light, and volume light. According to your need, you can use your lights. Okay. Next is the Maya light. Adding shadows. Adding shadows, you have to switch on your shadows so that the realistic object will be seen in your screen. Okay. The next is introduction to basic rendering setup. Basic rendering setup. This is the icon to open the render settings. Okay. When you click this, you will get the render settings option. In this, you will have the render layers. Next is the softwares or the Maya hardware, which will be used for your rendering. Okay. Or the options which we will use for rendering. Maximum, we have studied the functioning and the rendering options under mental ray. Okay. When you switch on the mental ray, you will get all of these options. Okay, common options, which format you have to render. Next is, what is the renderable camera, front, side, top, perspective, presets. These are the different types of presets. The resolution you will get. Okay, next is width and height, size in units, inches, pixels, resolution, and then you have to close.
then by clicking this option, this is the render the current frame. Okay, you will get this type of output in your render screen. Next, render image format. The same. You have to render this. Go to file, save image, or right click, file, save image. Save this image. Image, select the format. Save. Okay, in this type, you can save the image files. Many of them are still joining. Students are there. सर मीच सर मी लॅपटॉप जॉईन झालोय. अच्छा अच्छा Okay, I'm just taking your attendance. Next, you have render image format. Next is introduction to interface of 3ds Max. Okay, now 3ds Max is not installed over here. I will just explain the points. Okay, introduction to interface. The interface of 3ds Max is same as of Maya. Okay, just the tools are placement. Just the placement of the tools is different. Okay, next is the modeling concept and primitives, means different types of primitives are there, polygon primitives, nerves primitives, we have edit poly primitive. Next you have editable poly tool, introduction to spline modeling. This is a spline, okay, not spine. Introduction to spline modeling. Next is import and export file management, that is introduction to
ब्लाइंड मीन्स नर्व्स NURBS which we have studied in Maya. Maya के अंदर जो nerves के option है that we call spline, nerves, spline or the curves. Okay, these are the three names given to those options. Next is import and export file management. You can import and export different types of objects or files from one software to another. Okay, not all the software support all the file formats, but there are different basic file formats which you can import and export, which are the OBJ and the FBX. Rest is some of the software will support rest of the formats or they will not support. Okay, depends on the softwares. But for the Autodesk, all of the Autodesk products support all of these formats that are OBJ and FBX. Okay, next is basic material and rendering in 3ds Max. Okay, the material editor in 3ds Max. The shortcut for material editor was M. Okay, when you press M, the window opens of the material editor. From that, you can drag and drop the material on the object. There you can place your images, place your colors on the objects. Okay, next are the material types. Material types are the Phong, Blinn, anisotropic, Lambert. These are types of materials. Okay, basic introduction of lighting in 3ds Max. In 3ds Max, you have two types of lights that are photometric and standard lights. Okay, this is all the revision we are doing right now. Okay, basic introduction of lighting, that is. Next is creating shadows using lights. Okay, next is basic rendering setup. Basic rendering setup in Max, you have F10. Okay, F9 is the shortcut for rendering in 3ds Max and F10 is the shortcut for render settings. Okay, this is the first year subject or first year syllabus which we have studied. Now going to this year. Now in this, you have a little bit advanced options. We will study some advanced options. Okay, this is the syllabus for your SY semester 1. Okay, in semester 1, you will have Autodesk Maya. And in semester 2, you will have the same subject, but the software will be Autodesk Mudbox. Okay, Maya is the modeling and animation software and Mudbox is adding details or sculpting software. Okay, so in unit 1 is working in Autodesk Maya, creating and editing nodes. Okay, I will let you know all of the editing nodes using the hypergraph. Okay, these are all of the points which we are going to study. Okay, whether you can write down or whether you can take a screenshot of these options, or you can check your syllabus and you can get these options. In the hypergraph, connecting nodes with the node editor, creating node hierarchies in the outliner is totally based on Autodesk Maya. Okay, displaying options in the outliner, the channel box, the attribute editor, working with shader nodes in the hypershade. Next is creating Maya projects. Okay, in the first year also, I have told you how to create the projects and what is the use of projects. What is the use of creating project files or changing projects? You can create a new project. You can change your new project. Okay, I will just revise that option. For creating projects, you can go to File and Project Window. Okay, this was the option for creating a project window. File, Project Window. In the project window, you will get these options. You can create a new project, name the project, okay, select the location to save. Save that on my folder. But now, in this folder, my name is there, Amit. In this folder, you will get the project folder.
And in start folder, you will get these subfolders. Okay? Each folder has its own property. Okay? In scene files, you can save your MB files. In assets, you can save different types of assets which you are used. Images, different types of images or the output images. Okay? The file you render in the form of images, you will get in this images folder. Source images, which you are going to use while creating the project. Render data are the MTL files or the different types of files which you are going to obtain after rendering. Next are the clips. Okay, clips which you small clips means when you right click on this timeline, you will get a play blast. Okay, this will be saved in your clips folder. Then sounds, the sounds you use, which the MP3 or any of the wave files which you use. Can save using the sounds. Okay, scripts. Scripts part is not there in a syllabus, but the scripts which you write for any of the modeling or animation, the script files get saved in script folders. Disk cache. Cache is the memory which you can, which is the basic, the saving memory of the object or the file. Okay, movies. Movies in movies you can store the different clips, or you have the edited clips, you can save in movies, create different types of scenes and shots folder, and then you can save in that folder. Okay, then there is auto save option. When you switch on the auto save option from this Windows settings and preferences, in this you will get undo should be infinite. Files and projects. Auto save. Okay, this is the option. You have to enable this. Interval of 10 minutes. Then save it. Okay. Now your files will be auto save in the save folder. If this location is not set, then it will save in the default folder, that is in C program files and Maya files folder. Except file save scene as, it will directly go in this E, Amir, start and scenes. Okay. Can the file ka naam dalo. Maya binary. And this is Maya binary file. Okay. Next is the hard surface modeling. Okay. I have shown you the different types of modeling techniques. Okay. The basic types of modeling are only two, which are the organic and the inorganic modeling. Okay. Organic consists of all of the living objects which have life. Okay. Organic objects are the objects which have life. And the inorganic are which does not have life, or which are the still objects, or which cannot move. Okay. Hard surface modeling, understanding the polygon geometry, polygon vertices, edges, faces, and smooth polygons. Okay, this is the basic. When you click this, you will get the vertices, edge, face, and object mode. And if you press 3, the object will get smooth. Okay. These are the options. Understanding NURBS. With this, you will get the some of the more options you can do using the NURBS option. Okay. Understanding NURBS, understanding curves, understanding NURBS surfaces, surface seams, NURBS display controls. Okay, these are the options. Next is modeling NURBS surface. Okay, you have to model these NURBS surfaces. Lofting surface, these are the different types of what we say in Prismax mein hum log isko modifiers bolte the. Okay, in Maya you will get these type of modifiers. Okay, attaching surfaces and lofting surfaces in NURBS. These are NURBS ki option. Next, converting NURBS surfaces to polygons. You have to switch on convert, then modeling with polygons.
प्लीज डू नॉट लीव. ओके सर. और एक अटेंडेंस लेने वाला हूँ लेक्चर के लास्ट में, और एक अटेंडेंस लेने वाला हूँ. ठीक है. Converting nerves to surface polygons, modeling with polygons using booleans, creating cleaning topology using booleans. These options we have used in Redis Max. Okay, Max के अंदर हम लोग ने use किया था for creating a pool table. Okay, it is creating your own polygons using edge tool or the edge tool. Next is multi-cut tool. These are different types of tools which are new for you. Okay, combining and merging geometry, bridge polygon and mirror cut. Okay, next is the organic modeling. Okay, organic last humne hard surface ya fir inorganic study kiya. Next, now this, in this you will get the character system. Okay, aapko iske andar character modeling karne ke liye milega, wo use karke aap log animations create kar sakte ho. Okay, isme basically almost aapka pura maya cover ho jayega. नेट 3 के अंदर ऑर्गेनिक मॉडलिंग, इंप्लीमेंटिंग बॉक्स मॉडलिंग, शेपिंग यूजिंग स्मूथ मेश पॉलीगॉन ज्योमेट्री. आप अगर पूरा इसको रीड करोगे ये सारे ऑप्शंस, आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे. कैसे टाइप से आपको मॉडल करना है, कौन से ऑब्जेक्ट्स यूज करना है इसमें, इंप्लीमेंटिंग अ बॉक्स मॉडल. ठीक है, बॉक्स यूज करके आपको सारे मॉडल्स क्रिएट करना. बॉक्स मॉडलिंग इज द सिंपलेस्ट वे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा. कोई कोई लोग नर्व्स मॉडलिंग यूज करते हैं, कोई कोई लोग प्लेन मॉडलिंग यूज करते हैं. ठीक है, वो ऐसे डिफरेंट टाइप्स है, मतलब जैसे आपको इजी लगेगा वैसे आप लोग उसको यूज कर सकते हो. शेपिंग यूजिंग स्मूथ मेश पॉलीगॉन ज्योमेट्री, कनेक्टिंग कंपोनेंट्स, स्लाइड एज टूल, दिस इज ऑल्सो न्यू टूल. ओके, यू कैन राइट डाउन विच न्यू टूल्स वी आर गोइंग टू स्टडी. ठीक है, हम लोग इस सेशन में या फिर इन सारे सेशन में इस सेमेस्टर में कौन कौन से नए टूल्स सीखने वाले हैं, ठीक है, वो आप लिख कर रखो. These are the tools, these are the new tools which are going to be used in this semester. Okay, offset edge loops, ye bhi ek naya tool hai. Employ build out modeling, extrude along curve, ye bhi ek naya technique hai. This is a technique. Okay, extrude along curve, aapko curve use karke extrude options use karna hai. Okay, sculpting polygons, you can use the different types of sculpting polygons. Next is select tool. Just a second. Hello. हाँ good morning. अरे lecture में दिया ना? Lecture में. हाँ ठीक है ठीक है. ठीक है. Using sculpting polygons. Next is sculpting polygons. Soft select tool. Sculpting polygon using artisan. Okay, this is a new tool. Artisan. In Maya also you can use sculpting tools. Okay, but there are the basic options. ये बेसिकली माया जो है आपको ऑप्शंस मिलेंगे स्कल्पिंग के, लेकिन वो उतने सोफिस्टिकेटेड या फिर उतने इजी टू यूज नहीं रहेंगे. ठीक है, जस्ट उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं तो आप लोग उसमें स्कल्पिंग कर सकते हो, बेसिक स्कल्पिंग. बट फॉर स्कल्पिंग यू कैन यूज जी ब्रश और मड बॉक्स. ऑन मड बॉक्स यू विल स्टडी नेक्स्ट सेमेस्टर. ओके, नेक्स्ट इज यूजिंग रीटोपोलॉजी टूल्स. ओके, रीबिल्डिंग. रीटोपोलॉजी मीन्स रीबिल्डिंग योर एंटायर मॉडल, इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग द एलेम्बिक मॉडल. एलेम्बिक इज अ न्यू ऑप्शन. ये बहुत ही इजी और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ऑप्शन है. जब आपके फाइल्स हैवी हो जाते हैं तो उसका मेश रिड्यूस करने के लिए हम लोग रीटोपोलॉजी टूल्स यूज करते हैं. ठीक है, दीज आर ऑल द रीटोपोलॉजी टूल्स. जब आपका मेश हैवी हो जाता है तो हम लोग ऐसे टाइप के टूल्स यूज करते हैं. ठीक है, क्लियरिंग अप द केज फाइल्स. ठीक है, केज फाइल्स आर द स्टोरेज फाइल्स और द हिस्ट्री फाइल्स व्हिच यूज हाइड ऑन सरफेस फॉर डो एंड रिड्यूस. ओके, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग योर मॉडल मेश. नेक्स्ट इज यूनिट 4 रिगिंग एंड मसल सिस्टम. आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपका एक सेमेस्टर के अंदर ऑलमोस्ट इतने सारे, देखो इतना सिलेबस है आपका. ठीक है, ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस माया के जितने भी ऑप्शंस है, जितने भी स्पेशलाइजेशन के ऑप्शंस है, वो सारे एक ही सेमेस्टर में कवर अप हो गए हैं. ठीक है, सो यू विल हैव टू स्टडी अ लॉट एंड यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट in this semester and next semester to study
Maya, modeling, complete modeling, and the sculpting options. Okay. Next is rigging and the muscle systems. Okay. Rigging, adding bones. Rigging is adding bones for creating animations. Okay. देखो यहाँ पे अगर हम लोग स्विच करेंगे यू विल गेट एनिमेशन ऑप्शन ठीक है इन न्यू सॉफ्टवेयर यू विल गेट रिगिंग का ऑप्शन ठीक है इसके अंदर ही आपको एक रिगिंग का टूल मिलेगा जहां से आप लोग ये सारे ऑप्शन रिगिंग के ओपन हो जाए ठीक है इसमें डायनेमिक्स एंड एंड डायनेमिक्स ऐसे दो ऑप्शन है ठीक है जो जो चेंज हुआ है न्यू सॉफ्टवेयर से वो आपको बता रहा हूं मैं ठीक है डायनेमिक्स एंड एंड डायनेमिक्स इज आर टू ऑप्शन इन न्यू सॉफ्टवेयर यू विल गेट डायरेक्टली एफएक्स ऑप्शन ठीक है तो आप लोग बोलोगे सर हमने आपको आपने हमको ये सिखाया है लेकिन हमको ऑप्शंस मिल रहे नहीं है बट इन न्यू सॉफ्टवेयर्स दोज़ आर यूजिंग न्यू सॉफ्टवेयर्स यू विल गेट द एफएक्स ऑप्शन फॉर डायनेमिक्स एंड आल्सो फॉर एनिमेशन यू विल गेट एनिमेशन सेपरेट एंड द रिगिंग पार्ट इज सेपरेट ओके उन्होंने ये सिर्फ ये विंडोज कस्टमाइज किए हैं थोड़े से और थोड़े से डिफरेंशिएट किए ठीक है Next is creating and organizing joint hierarchies. Hierarchies are the continuity or the tables, okay? Joints. मतलब जो continuity में joints आते हैं, top to bottom, that are the hierarchy, joint hierarchies, okay? Orienting joints means orientation means rotation, okay? Naming your joints, naming is very important for your joint system, okay? Next is mirroring your joints. One side create करना है, बाद में mirror करना है. रिगिंग द कैरेक्टर आईकेज आईकेज आर द इनवर्स काइनेमेटिक्स ये सारा मैं आपको डिस्कस करूंगा जब हम लोग रिगिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे ठीक है इसके लिए आपको ये ऊपर के सारे ऑप्शन क्लियर चाहिए ठीक है बिफोर स्टार्टिंग टू रिग योर कैरेक्टर यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दिस ऑल ऑफ दिस ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव टिल यूनिट 3 ओके उसके बाद ही हम लोग रिगिंग एंड मशीन सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं Next is FK bleeding, rotate plane solver, creating custom attributes, line IKs, human inverse kinematics, skeleton generator. Okay, these are different types of options. Skinning geometry. Okay, after you apply rig, after you apply bones in your characters. Okay, उसके बाद आपको skinning geometry का option आएगा. आप लोग को वो जो bones है, वो bones attach करने हैं skin को, means object को. ठीक है, वो सारे bones आपको skin को attach करना है. Interactive smooth bind tool. Just let you know the tools. Okay. देखो यहाँ पे skeleton. ठीक है. This is a skeleton. यहाँ से आप लोग ये joint tool use कर सकते हो. सिर्फ basically थोड़ा सा create कर देता हूँ. मतलब आपको एक थोड़ा सा idea आ जाएगा उसका. Selecting joint tool. When you click on this and press enter, you will get this complete chain. This is a chain. Chain or a Hierarchy of your joint. Okay, this is a joint. When you rotate this, okay, for example, this is a leg. Leg ke jaisa dikh raha hai. If you rotate this, options are not working. Okay, I will see to this. इस सॉफ्टवेयर में फिर से एक बार इंस्टॉल करके देखता हूँ कुछ ऑप्शन इंस्टॉल नहीं हुए इसमें ठीक से ठीक है दिस ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग जॉइंट्स नेक्स्ट इज स्किनिंग ज्योमेट्री यहाँ पे आएगा आपका स्किन ठीक है दिस इज स्किनिंग ऑप्शन अभी न्यू सॉफ्टवेयर जो भी न्यू सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे एक पाइंड का एक ऑप्शन आएगा ठीक है दिस ऑप्शन विल नॉट बी अवेलेबल इन योर न्यू सॉफ्टवेयर ठीक है बिकॉज These all of these options are non-needed. ये सब सिर्फ थोड़े बहुत changes हैं इन options में, बाकी सब all are related to each other. ठीक है? Bind skin, detach skin, जो आपने joint किया है, उसको आप detach कर सकते हो. ठीक है? Means in short, if you want to animate, you have to attach your bones. और हम लोग कभी भी character को animate नहीं करते हैं, हम लोग bones को animate करते हैं. ठीक है? इतना ध्यान रखो आप लोग.
पेंटिंग स्किन वेट्स, एडिटिंग स्किन वेट्स, ठीक है, ये आपको सब मैं आपको दिखाता हूँ बाद में से. द माया मसल सिस्टम्स, ठीक है, व्हेन यू आर एडिंग मसल्स इन योर ऑब्जेक्ट और इन योर कैरेक्टर, मसल्स कैरेक्टर, कैरेक्टर कैसे बनाओगे आप लोग, यू कैन क्रिएट अ बाइपेड और अ क्वाड्रोपेड कैरेक्टर, ठीक है, जिसमें मसल्स रहते हैं उस टाइप का कैरेक्टर आप लोग बना सकते हो, ठीक है. इन दैट यू हैव टू ऐड मसल्स, मसल्स ऑल्सो वी कैन ऐड ऑन बोन्स, ठीक है. हम लोग स्किन के ऊपर कुछ भी नहीं करते हैं, स्किन जस्ट आपका एक आउटर पार्ट रहेगा जो कि सिर्फ विजिबल रहेगा इन योर रेंडरिंग्स, ठीक है. एवरीथिंग वी डू ऑन द बोन्स और द स्केलेटन, ठीक है. मसल्स हम लोग स्केलेटन पे अप्लाई करते हैं, सो कंट्रोल्स, कंट्रोल जो भी रहेंगे कंट्रोल्स हम आपको उसको मसल्स के ऊपर, बोन्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, मसल्स उसको बोन्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है. एवरीथिंग इज डन ऑन द बोन्स नॉट ऑन द स्किन, ओके. यूजिंग कैप्सूल क्रिएटिंग मसल्स, यूजिंग मसल्स बिल्डर, ठीक है, ये एक टूल है, मसल बिल्डर एक टूल है माया के अंदर जो आपको मसल्स एड करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है. कन्वर्टिंग स्मूथ स्किन टू मसल सिस्टम, ये सब ऑप्शन है. नेक्स्ट इन यूनिट 5 यू विल स्टडी एनिमेशन टेक्निक्स, ओके. एनिमेशन जैसे आप लोग करोगे, एनिमेशन करने के लिए आपको जो जो टूल्स रिक्वायर्ड है यू विल गेट टू नो इन दिस चैप्टर, ओके. की फ्रेम एनिमेशन, क्रिएटिंग की फ्रेम्स, ऑटो की फ्रेम, अब इसके अंदर जो है ऑप्शन, दिस इज अ टाइमलाइन, ओके. इस टाइमलाइन के ऊपर आप लोग एनिमेशन करते हो. फॉर सेटिंग दिस टाइमलाइन यू कैन सिलेक्ट दिस ऑटो की ऑप्शन ऑन एंड ऑफ, ठीक है, एंड एस, एस इज द शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ की फ्रेम और एडिंग अ की फ्रेम, दिस इज द शॉर्टकट, ठीक है. नेक्स्ट इन दिस यहाँ पे एक आइकॉन है, उसको आप लोग क्लिक करोगे यू विल गेट द टाइमलाइन प्रेफरेंसेस और एनिमेशन प्रेफरेंसेस, ठीक है. उसके अंदर ये सब प्लेबैक ऑप्शंस है, एवरी फ्रेम 24 FPS, 12 FPS, 48 FPS. अभी जो न्यू सॉफ्टवेयर है अपडेटेड सॉफ्टवेयर उसके अंदर 48 FPS, 60 FPS और 72 FPS, ऐसे 32 FPS भी है उसके अंदर, ठीक है. ऐसे कुछ फ्रेम रेट है, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेम पर सेकेंड which you can play on the timeline, okay. These are timeline options. Next, this is the graph editor, okay. Pura ek topic jo hai aapka graph editor ke upar hai, jo curves aap log animate karne wale ho, jo humne Maya mein pehle study kiya tha, okay. Maya mein humne kya study kiya tha pehle, using the graph editor you can adjust the curves, you can add weight. Bouncing ball ka ek assignment diya tha maine, bouncing ball ka के अंदर यू हैव टू ऐड की फ्रेम्स, यू हैव टू एडजस्ट द स्पीड, द ग्रेविटी ऑफ दैट बाउंसिंग बॉल, ठीक है. अब इसके अंदर थोड़ा वॉक साइकिल, रन साइकिल वैसे टाइप करेगा, यू हैव टू स्टडी द ग्राफ एडिटर, थोड़ा सा डीपली स्टडी करना पड़ेगा आपको ग्राफ एडिटर, ठीक है. ये सब आपको सिखाऊंगा मैं हाउ टू यूज द ऑप्शंस इंक्लूडेड अंडर ग्राफ एडिटर, ठीक है. नेक्स्ट इज प्ले ब्लास्ट एंड एफ चेक, ठीक है. यू राइट क्लिक will get a play blast, ठीक है. जो बेसिक एनिमेशन हम लोग ने क्रिएट किया है और जो स्क्रीन में जैसे विजिबल है बिफोर रेंडरिंग, ठीक है, रेंडरिंग के पहले जैसा एनिमेशन प्ले होगा वो आपको प्ले ब्लास्ट के अंदर दिखेगा. नेक्स्ट इज द एफ चेक, एफ चेक इज अ प्लेयर, ठीक है, टू प्ले योर प्ले ब्लास्ट. एफ चेक इज अ प्लेयर टू प्ले योर प्ले ब्लास्ट, ठीक है. इज अ प्लेयर, आप लोग जब माया इंस्टॉल करते हो माया के साथ ही एफ चेक करके एक प्लेयर रहता है वो इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है. आपके जितने भी प्ले ब्लास्ट एनिमेशन है या फिर कोई भी एनिमेशन है आपके एफ चेक में इंस्टॉल होते हैं, या फिर इफ यू हैव अ क्विक टाइम प्लेयर यू कैन ऐड ऑप्शंस इन योर क्विक टाइम प्लेयर, ठीक है. आप लोग क्विक टाइम प्लेयर आपके माया सॉफ्टवेयर को भी अटैच कर सकते हो. नेक्स्ट यूजिंग ड्राइवर कीज, यूजिंग ड्रिवन कीज, ये थोड़ा सा जम्बलिंग होगा आपको इसमें, आपको ये थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ईजी टूल है और बेसिक टूल है. यूजिंग editors, ठीक है, different types of editors. Using constant, working on deformers, prep geometry, using texture to deform objects, ठीक है. Animating facial expressions using blend shapes, ठीक है. Using blend shapes, you can do. ये देखो, if you create on deform, click on deformers option, animation के अंदर, you will get these type of options, ठीक है. Blend shapes, ये सारे मैक्स के अंदर हमने जैसे मॉडिफायर्स अप्लाई किए थे, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफायर्स, डिफॉर्मर्स मतलब मॉडिफायर्स,
पेंटिंग ब्लेंड शेप्स वेट्स एडिंग टारगेट्स ओके नेक्स्ट इज राइटिंग विद मेंटल रे ओके ठीक है इसके अंदर भी आपको मेंटल रे दिया हुआ है बिकॉज दिस इज अ स्टैंडर्ड एंड विच यू कैन यूज फ्रीली इन योर स्टूडेंट लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर ठीक है स्टूडेंट लाइसेंस के अंदर आपको मेंटल रे मिलता है माया सॉफ्टवेयर माया हार्डवेयर मिलता है इसलिए दिस इज द इजी वे टू स्टडी योर लाइटिंग्स बट इफ यू स्टडी एडवांस यू कैन यूज इन नाउ न्यू सॉफ्टवेयर जो नए सॉफ्टवेयर आप लोग यूज कर रहे हो उसके अंदर यू विल गेट द आर्नोल्ड प्लगइन ठीक है आर्नोल्ड प्लगइन आता है उसके अंदर उसके ऑप्शन थोड़े से अलग रहेंगे ठीक है व्हाइल यूजिंग द रेंडर इंजन्स ठीक है दीज आर द रेंडर इंजन्स मेंटल रे इज अ रेंडर इंजन एंड यू कैन यूज ओनली मेंटल रे ऑप्शंस अंडर दिस रेंडर इंजन ठीक है मेंटल रे के जो लाइट्स रहेंगे टेक्सचर्स रहेंगे वो आपको सिर्फ मेंटल रे के अंदर ही दिखेंगे ठीक है अगर आप मेंटल रे के लाइट्स यूज करते हो और आर्नोल्ड का रेंडर इंजन चालू करके रेंडर करते हो तो आपको पूरा ब्लैक आउटपुट मिलेगा ठीक है आप लोग ट्राई करो जिस जिसके पास पीसी है अभी उन लोग ट्राई करो बाकी लोगों को मैं अभी जब कॉलेज वगैरह स्टार्ट होगा तभी आपको करके दिखाता हूँ ठीक है और आई विल शो यू द मेंटल रे एंड ऑल्सो आर्नोल्ड ऑप्शन ठीक है ये सारे ऑप्शन आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट इज यूजिंग द डेप्थ मैप शेडोज ये शेडो के ऑप्शन है इनडायरेक्ट लाइटिंग ये तो पूरा आपको दिखाया था मैंने एक बार यूजिंग कॉस्टिक्स ठीक है कलर बिल्डिंग कॉस्टिक्स आपको डायमंड का एक ऑप्शन दिखाया था मैंने शायद से उसके अंदर आपने ये सब कॉस्टिक्स वगैरह यूज किया नहीं भी होगा तो फिर से दिखाऊंगा मैं आपको ठीक है सो नो नीड टू वरी एक्सेस इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन यूजिंग फाइनल गैदर ऑब्जेक्ट्स लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट्स फाइनल गैदर मैप्स यूजिंग लाइट्स इमेज बेस्ड लाइटिंग ठीक है एनेबलिंग इमेज बेस्ड लाइटिंग आईबीएल इज इमेज बेस्ड लाइटिंग ठीक है एंड यूजिंग आईबीएल एंड फाइनल गैदरिंग आईबीएल एंड फाइनल गैदरिंग ठीक है जैसे वो बहुत सारे टॉपिक्स ईच आर कनेक्टेड टू ईच अदर मेनी ऑफ द टॉपिक्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर सो यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द स्टार्ट ठीक है लाइटिंग आपको बेसिक यहां से स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा एडवांस होता जाएगा तो गोइंग टू फाइनल गैदर बाद में नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपको फिजिकल सन एंड स्काई ठीक है इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है फिजिकल सन एंड स्काई के अंदर वी गो टू सेटिंग्स ठीक है सेटिंग्स के अंदर आप लोग जब मेंटल रे सिलेक्ट करते हो इसके अंदर इनडायरेक्ट लाइटिंग ठीक है यही ऑप्शन है ठीक है इनडायरेक्ट लाइटिंग ठीक है ये वाले ऑप्शन के अंदर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो इसके अंदर आएगा इमेज बेस्ड लाइटिंग एंड फिजिकल सन एंड स्काई ठीक है इमेज बेस्ड लाइटिंग ओके इमेज बेस्ड लाइटिंग दिस इज द इमेज बेस्ड लाइटिंग एंड दिस इज फिजिकल सन एंड स्काई Physical sun and sky. This is a physical sun and sky option. Okay. Enable physical sky editing the sky settings. Okay. Ready-made sun and sky मिलेगा आपको जो आपको rendering में help करेगा. And this sun and sky only works in mental range. ठीक है? अगर आप Arnold use कर रहे हो, उसका अलग एक dome रहता है sky dome करके एक option. उसके अंदर आप लोग sun and sky के settings adjust कर सकते हो. ठीक है? Next is unit 7. Unit 7 is using of texture maps. Okay, ठीक है texture maps आप लोग study करोगे इसके अंदर mental ray shaders है advanced texturing techniques है इसके अंदर UV texture editor आपको study करना पड़ेगा UV texture layout mapping giraffe leg unfolding UVs okay flat surface है आपको मैं next lecture में इसका जो flat surface इसका एक ऐसे प्रेजेंटेशन बनाऊंगा उससे आपको ये सारे इमेजेस डाल के सब क्लियर हो जाएगा ठीक है आपको क्या क्या स्टडी करना है उसके व्हाट आर द यूवी टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स मैपिंग जिराफ लेग अनफोल्डिंग यूवीज ठीक है ये सारे ऑप्शंस आएंगे उसके नेक्स्ट इज और मैं आपको अभी से बता रहा हूँ जितना भी आपका थ्योरेटिकल पार्ट है ठीक है जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो सारा मैं आपका इस ऑप्शन इसी मतलब जो अभी आप हम लोग ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं तो मैं ज्यादा करके प्रैक्टिकल नहीं लूंगा आपका जब आपके क्लास चालू हो जाएंगे मतलब आप लोग जब भी आओगे कॉलेज में तभी आपको प्रैक्टिकल्स वगैरह सब स्टार्ट करूंगा मैं थोड़ा सा बेसिक सिखाऊंगा आपको जो लोग प्रैक्टिस जो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं वो लोग प्रैक्टिस करो जो लोग नहीं कर सकते हैं नो नीड टू वरी वेन यू कम इन द कॉलेज आई विल अगेन रिवाइज दैट ठीक है वो सब मैं फिर से रिवाइज करूंगा आपका प्रैक्टिकल रिलेटेड जो भी रहेगा ऑप्शंस ठीक है और ये ऑलमोस्ट ये जो पूरा सॉफ्टवेयर है ये ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल रिलेटेड ही है
ठीक है, तो आपको तो थोड़ा सा फास्ट ग्राफ करना पड़ेगा, ठीक है, सारे ऑप्शन इसके पास है, दैट इज वेल एंड गुड, बस नहीं है यू हैव टू डू सम अरेंजमेंट्स, ठीक है, अगर होता रहेगा तो करो, नहीं तो फिर कॉलेज में आने के बाद थोड़ा सा आपको फिर फास्ट लर्न करना पड़ेगा उसे, मैं सिखाऊंगा आपको फिर से, लेकिन थोड़ा सा फास्ट ग्राफ्स करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बोल नहीं सकते कि नेक्स्ट आपके एग्जाम्स कब रहेंगे या फिर यूनिवर्सिटी क्या ऑप्शंस या फिर किस कंडीशंस में आपके एग्जाम्स रहने वाले हैं, आगे एग्जाम्स कैसे कंडक्ट होने वाले हैं वो भी हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, मे बी इट विल बी कंडक्टेड विद इन दिस सेमेस्टर ओनली, और आपको कुछ सेमेस्टर स्किप हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, जो यूजीसी डिसाइड करेगा उसके हिसाब से आपको सबको करना चलना पड़ेगा, ठीक है, स्टडी भी उतना फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है, यूजिंग टेक्सचर ऑप्शंस, नेक्स्ट इज रेंडरिंग फॉर कंपोजिट, ठीक है, इसके अंदर आपको सारे रेंडरिंग ऑप्शंस मिलेंगे, हाउ टू रेंडर, इसके अंदर भी पूरा आपको मेंटल रे क्वालिटी सेटिंग्स, ठीक है, मेंटल रे के ऑप्शंस है सारे रेंडरिंग के, ये सब आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पासेस वगैरह मिलेंगे, वो सारे पासेस आपको स्टडी करने पड़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट इज यूजिंग डायनामिक्स एंड इफेक्ट्स, ठीक है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसके अंदर आपको जो एनिमेशन है दैट विल बी डन ऑटोमेटिकली जस्ट यूजिंग सम ऑफ द फिजिक्स टर्म्स, ठीक है, आपको फिजिक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, इसके अंदर ग्रेविटी का नॉलेज चाहिए, एयर का जो विंड वेलोसिटी वगैरह रहती है, वेलोसिटी या फिर मास वॉल्यूम, ये सारे जो ऑप्शन है थोड़ा बहुत फिजिक्स का नॉलेज होना चाहिए, जो ऑप्शन रहते हैं या फिर शाइन ऑप्शन या फिर ड्रॉप ऑप्शन, ग्रेविटी का वैल्यू कितना रहता है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट इफ यू हैव टू अपोज द ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को कौन से स्पीड से जाना पड़ता है या फिर कितने स्पीड से थ्रो करना पड़ता है, वो सारे ऑप्शन आपको डायनामिक्स एंड इफेक्ट्स के अंदर दिखेंगे, ठीक है, इन दिस यू विल गेट दिस टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स, ठीक है, एंड क्लॉथ ये भी डायनामिक्स के अंदर आता है, एंड डायनामिक्स के अंदर आता है, ठीक है, एंड क्लॉथ कम्स अंडर एंड डायनामिक्स, ऑप्शन आएगा डायनेमिक्स सॉफ्ट एंड रिजिड बॉडीज, ठीक है, दीज आर द डायनेमिक ऑप्शन, दीज आर द इफेक्ट्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स, फायर इफेक्ट, स्मोक इफेक्ट, फायरवर्क्स, लाइटनिंग, शटर, ठीक है, ये सारे इफेक्ट्स रहेंगे, एंड इन एंड डायनेमिक्स, एंड डायनेमिक्स यू विल गेट एन कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, दीज आर द ऑप्शन, नेक्स्ट यू विल गेट एन मेश, एन मेश के अंदर अपने को एन क्लॉथ मिलेगा, ठीक है, दीज आर द ऑप्शन, अंदर एनिमेट कर सकते हो आप लोग यूजिंग एन पार्टिकल्स, इसमें पार्टिकल सिस्टम रहेगा, जो भी आप लोग मूवीज में देखते हो जो ब्लास्ट होते हैं, ब्लास्ट क्रिएटिंग वाटर्स, क्रिएटिंग वेव्स, क्रिएटिंग विंड, ये सारा डायनेमिक्स और इफेक्ट्स का पार्ट रहता है, ठीक है, कंट्रोलिंग रोटेशन ऑफ पार्टिकल्स, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी दिस सेमेस्टर, ठीक है, this is a reference book which we have given, mastering autodesk maya 2015, okay, ye aapko online agar aap dekhoge to aapko book mil jayega, nahi to fir main aapko group ke upar dal deta hu, wo aap log book ko study karo, okay, and try to gather your own notes, okay, notes aap khud ke jitne banaoge utna aapko study karne ke liye easy hoga, kyunki fir main bana ke dunga, baad mein aapko kuch option samajh mein nahi aayenge uske andar ke kuch टर्म्स क्लियर नहीं रहेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे हमारे लेक्चर होंगे लास्ट में आपको 10-15 मिनट्स का टाइम दूंगा डिस्कस करने के लिए या फिर कोई आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर करने के लिए, तो आप लोग पूछ के तब का तभी क्लियर कर दो, ठीक है, नहीं तो अगर बाद में कुछ डाउट रहेगा तो फिर आगे के ऑप्शन आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है, सो क्लियर योर डाउट्स व्हेन वी आर स्टडिंग दैट पर्टिकुलर यूनिट, ठीक है, जो यूनिट हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसी टाइम पे सब डाउट्स क्लियर कर दो, ठीक है, Clear to everyone? ठीक है, अभी आप लोग काम कर सकते हो, just tell me. Yes sir. ठीक है? Yes sir. अभी जो आपका लेक्चर लिया है मैंने, ठीक है, आप मुझे फीडबैक दे दो कि कैसे हुआ है, या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट्स है, वॉइस इम्प्रूवमेंट्स चाहिए आपको, या फिर कुछ और ऑडियो ऑडिबल नहीं था, या फिर वीडियो विजिबल नहीं था, ऐसे कुछ होगा तो बता दो, तो फिर नेक्स्ट फैकल्टी फिर उसके ऊपर इम्प्रूव करेगा. सर वीडियो प्रॉब्लम, ऑडियो लैग हो रहा था, बोलो बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑडियो लैग हो रहा था, हाँ ओके, ब्लर डिस्टी ब्लर दिखता है, अच्छा ऑडियो वीडियो लैग हो रहा है, अच्छा ऑल ओके,
अच्छा अभी वो जो ऑडियो का और वीडियो का प्रॉब्लम है ना, वो एक्चुअली इंटरनेट के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे तो हमारा हाई स्पीड इंटरनेट है, शायद आपका जो फोन रहेगा उसके इंटरनेट के अंदर रहेगा, या फिर यहाँ से फुल क्वालिटी है। वीडियो इज लो, कहाँ कहीं पे वीडियो पर क्वालिटी आ रहा है, यहाँ से फुल क्वालिटी है। यहाँ पे जो वीडियो है हमारा 1080 पिक्सल में रन हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक योर नेटवर्क प्रोवाइडर्स आर इज नॉट सपोर्टेड फॉर 1080 पिक्सल। चप्पल सभी का हो रहा है क्या प्रॉब्लम? लाइट गिली अच्छा ठीक है। ओके वी विल ट्राई टू इंप्रूव द एफपीएस, वी विल सी टू द सेटिंग्स एंड ऑप्शंस नेक्स्ट टाइम, ठीक है। बेस्ट ऑडियो क्लैरिटी कैसे है, मतलब ऑप्शंस जो आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर वो सब विजिबल है? ओके ओके ठीक। ऑप्शन जो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर रिलेटेड दिखा रहा हूँ, स्क्रीन स्क्रीन शेयर किया है तो स्क्रीन पूरा दिख रहा है आपको सब अच्छे से? यस सर। सर वीडियो ऑडियो सगळं व्यवस्थित दिसतंय, फक्त व्हिडिओ थोडी लॅग होती। अच्छा हा ठीक आहे चालेल। यस सर व्हिडिओ थोडी लॅग होती सर। हा हा ठीक आहे, वी विल वर्क ऑन सम ऑफ द सेटिंग्स नेक्स्ट टाइम ते व्हिडिओ सर पॉसिबल असेल तर माईक युज करा। हा हा अरे माईक आज हेडफोन आणलेलं नाही म्हणून ते प्रॉब्लेम झाला। ठीक है कहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ बाद में बैकग्राउंड देखो। कॉलेज क्लासरूम कॉलेज में तो है, आपके क्लासरूम में ले रहा हूँ। वो अमचस क्लासरूम है ना मागे दिन में क्लासरूम है एक है मांग साल ले ले। टाइमिंग बघा, टाइमिंग आता पण आपण टायमिंग टायमिंग सगळे कॉलेजचे टायमिंग आहेत, टायमिंग कॅनॉट बी चेंज, ठीक आहे ओके। और वैसे भी इतना भी जल्दी नहीं है, 10:30 पर कंटिन्यू हो रहे हैं, 10:30 से फिर आगे कंटिन्यू है। कॉलेजला परमिशन नाही ना, जब तक आपको परमिशन नहीं मिलेगा कॉलेज में आने के लिए तब तक आप लोग नहीं सकते, वो गेट से ही आपको निकाल देते हैं। ओके एंड आल्सो वी कैन नॉट टेक एनी टाइप ऑफ रिस्क, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से अभी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा सर, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग वर्क करेंगे, फिलहाल अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग ने ये सारे लेक्चर्स और ये सारे अभी प्रैक्टिकल्स आप लोग को देंगे, असाइनमेंट भी देंगे कुछ कुछ, तो आप लोग को इजीली सबमिट करने आएंगे, वैसे ही असाइनमेंट्स देंगे, ठीक है। तो रिकॉर्ड में सिर्फ बेसिकली वेस्ट नहीं होना चाहिए सिर्फ टाइम, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ये कर रहे हैं। सर असाइनमेंट कॉलेज स्टार्ट होने के बाद देना सर, अभी कैसा है कोई कोई बच्चे लोगों के पास सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, असाइनमेंट करेंगे कहीं पे? नहीं वैसे नहीं, वैसे टाइप के असाइनमेंट रहेंगे ही नहीं, वो हम लोग सब कंसिडर करके ही देंगे। लास्ट टाइम आपको ऑप्शन कैसे दिए थे प्रैक्टिकल के लिए वो टाइप का, ठीक है ओके। रिजल्ट्स भी आपके लग जाएंगे थोड़ा एक 10-15 डेज के अंदर, ठीक है। रिजल्ट कब तक लगेगा सर? 10-15 डेज में लगेगा रिजल्ट। किधर लगेगा वो, ऐप पे मोबाइल पे आएगा किधर आएगा रिजल्ट? मोबाइल पे आपको लिस्ट भेजता हूँ मैं, मोबाइल पे रहेगा okay. या फिर आपको कॉलेज में आना पड़ेगा, कॉलेज में तो अभी आ नहीं सकते तो आपको मोबाइल के ऊपर ही भेजता हूँ। ओके सर ठीक है। उसके अंदर लेकिन आपका पूरा रिजल्ट नहीं रहेगा, सिर्फ जो फर्स्ट क्लास में जो लोग है, सेकंड क्लास में जो लोग है, डिस्टिंक्शन में जो है वैसे आएगा सर, उसमें परसेंटेज वगैरह आएंगे क्या नहीं पता नहीं है, ठीक है ओके सर। ओके ठीक है भेजता हूँ सारे डिटेल्स भेजता हूँ, ठीक है। आज के लेक्चर्स हो जाने दो, आज के लेक्चर्स अगर प्रॉपर हो गए आपका फीडबैक दे दो कि कैसे लेक्चर्स होते हैं, या फिर कुछ टेक्निकल इश्यूज रहेंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे और बाद में से फिर क्लियरली फिर आपका आगे प्रोसेसिंग करें, ठीक है। सेट दाखवायचं आहे, ठीक आहे फोटो पाठवतो मी ग्रुपवर।
ये पीछे ही है सेट, लेकिन इसको पीछे कैमरा नहीं है ना, स्क्रीन घुमाना पड़ेगा। ठीक है, यू वांट टू सी? ठीक है, विजिबल है? अरे वाह, वर्ल्ड डिज्नी ठीक है, वैसे का वैसे ही है, सिर्फ उसके लाइट्स निकाल दिए हैं, बाकी सब सेट वैसे के वैसे ही। किसी को लेके जाने का रहेगा तो लेके जाओ। पैसे घूम जाओ, होम डिलीवरी? होम डिलीवरी सर, होम डिलीवरी करो ना, सगळं करू आपण सर। शिप कुठे आहे? शिप लाल नोटा रेडी ठेवा फक्त। वीसच ना? किती किती नोटा? 20 रुपयाचा ना? ते सांग ना किती नोटा सर, डील करू ना आपण, स्वस्तात मिळेल सर। शिप आहे का सर? शिप अजून खाली का गेली? बस बस चला, आता नेक्स्ट लेक्चर कुठलं आहे तुमचं? दोन लेक्चर तर मीच घेतले वाटत, द्या सोडून जाऊ द्या मग काय। 11:30 ते 12:30 ठीक आहे, 15 मिनिटं राहिलेत, दोन लेक्चर झालेत तुमचे। द नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन 1:30 ठीक आहे, 1:30 को लेक्चर आएगा नेक्स्ट, मल्टीमीडिया सिस्टम्स। कौन है मल्टीमीडिया सिस्टम को? निकिता मैम। निकिता मैम है ठीक है, निकिता मैम लेक्चर लेगी आपका 1:30 को ठीक है, 12:30 to 1:30 ब्रेक है अभी, तो यू शुड बी प्रेजेंट शार्प 1:30। प्रेजेंटली क्या सर आपने? हाँ प्रेजेंटली ले लिया, प्रेजेंटली हाँ ले लिया प्रेजेंटली सब। ओके सर ठीक है, ओके सो नाउ एंड दिस लेक्चर, सो सी यू एट 1:30 ओके, शैल वी स्टॉप? ओके ओके ठीक है।